नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के पुतले की दहन क्यों होता है, कंस या अन्य किसी राक्षस की क्यों नहीं। प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। मान्यता है कि असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में यह परंपरा शुरू हुई। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का भी वध किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कई अवतार हुए और दुष्टों के संहार का क्रम चलता रहा, लेकिन रावण के पुतले का ही दहन होता है, कंस या अन्य किसी राक्षस का क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे चैनल सा भक्ति क्लब पर। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करते हैं दशहरे के दिन रावण का पुतला का दहन करने की परंपरा है। हालांकि कई जगह पर रावण की पूजा भी होती है और दहन नहीं होता। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन ही नवरात्रि की समाप्ति होती है, इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रावण के ही पुतले का दहन क्यों होता है, जबकि बुराई पर अच्छाई की जीत के कई और उदाहरण भी हैं। कंस का वध, अन्य शक्तिशाली राक्षस का अंत, रावण तपस्वी मूर्धन्य समस्त अस्त्र शस्त्रों का पारंपरिक बलशाली सोने की लंका का सम्राट था। इतना ही नहीं, रावण प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। यही वजह थी कि राम ने लक्ष्मण को मृत्यु संज्ञा पर पड़े रावण के पास राजधर्म का रहस्य जानने भेजा था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार रावण की कोई मामूली सत्ता नहीं थी, रावण के 10 सिर थे। धर्म कहता है कि 10 दिशाएं होती है, जो रावण 10 दिशाओं पर निरंतर कर सकता है उस पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात थी, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं और इसे विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। अहंकार और क्रोध ने रावण का तो सर्वनाश किया था, साथ ही इस आग ने पूरे राक्षस कुल को भी प्राण देकर रावण के बुरे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए राम ने जब रावण का वध किया तो इससे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। राम और रावण की कुंडली देखे तो बताया जाता है कि 10 दिशाओं पर निरंतर रखने वाला रावण पर विजय हासिल करना आसान काम नहीं था। भगवान श्री राम और रावण दोनों की ही कुंडली बहुत शक्तिशाली थी। दोनों की लगन में विद्यमान बृहस्पति दोनों को अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली बनाता था। भगवान राम के लगन का मालिक चंद्रमा और रावण के लगन का मालिक सूर्य था। चंद्रमा सौम्य स्वभाव था जबकि सूर्य उग्र स्वभाव के, लेकिन जाना जाता है कि यह अंतर ये भी था कि भगवान राम का बृहस्पति उच्च का है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। हालांकि रावण की बृहस्पति ने भी उसे अच्छे परिणाम दिए। कि रावण की कुंडली की एक और बड़ी मुश्किल ये थी कि पंचम भाव में धनु राशि में राहु बैठा हुआ था जिसने मति भ्रष्ट कर दी और इसी वजह से रावण को राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया। कुछ यही वजह थी कि भगवान राम का बृहस्पति भारी रहा और रावण की हार हुई। दोनों की कुंडली बेहद मजबूत और शक्तिशाली थी, दोनों ही पराक्रमी और बुद्धिमान थे, लेकिन इसके बाद भी अच्छाई ने बुराई को हराकर जीत कामयाब हुआ। इस दिन संसार को एक नया संदेश मिला कि बुराई या झूठ कितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, अंत में हार अच्छाई और सत्य की ही होती है। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा निभाई जाती है। दशहरे के दिन करें माँ दुर्गा और राम का पूजन। मान्यता है कि भगवान राम की पूजा से विजय प्राप्त होती है। भगवान राम को यह वरदान दो जगह से प्राप्त होता है, एक सूर्य से जब महर्षि अगस्त उन्हें बताते हैं आदित्य हृदय स्रोत के बारे में, और दूसरा भगवान श्री राम स्वयं महानवमी की पूजा करते हैं और दशहरे के दिन विजय प्राप्त करते हैं। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है और विजय का पर्व भी मनाया जाता है। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसमें माँ दुर्गा का शक्ति का सबसे प्रचंड स्वरूप है, जिसमें माँ दुर्गा पापों का नाश कर रही है। वही भगवान राम की पूजा होती है क्योंकि दशहरा भगवान श्री राम की विजय का पर्व है। इस दिन आप माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं
तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन इसलिए किया जाता है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी गलत व्यक्ति पर नहीं चल जाए। चातुर्मास में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन दशहरे के दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करना शुभ है। इस दिन हवन पूजन करके अपने 9 घरों को शांत करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। रावण के दहन के समय क्या कारण करना चाहिए? इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। माना जाता है कि जो इस आयोजन में शामिल होता है उसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होती है। जब रावण दहन शुरू होने वाला होता है तो माँ और दुर्गा और भगवान श्री राम का स्मरण करें। जब रावण का पुतला जल रहा होता है तो भगवान श्री राम का स्मरण करें, फिर पुतला हुआ जलता देखें। जब पुतला दहन हो जाए तब माँ दुर्गा और भगवान राम की आरती करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। इससे जीवन में विजय मिलेगा और जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप सबको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।